hello everyone welcome back to the channel last minute revision with rsm and here i'm back with another video so today we are going to have discussion about the law legal aspects of business for net set category and for sybcom semester 3 and this is the lecture number 4th and today we are going to discuss about the concept of proposal uh, offer एंड वी विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल तो इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सो इफ़ यू आर सीन दैट लेक्चर आपको एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुए रहेंगे तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजल का मतलब क्या होता है ऑफर का मतलब क्या होता है प्रपोजल ऑफर बेसिकली और एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर देखो प्रपोजल और ऑफर जो है ये सेक्शन टू सबसेक्शन ए ऑफ द एक्ट डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर

ठीक है प्रपोजल जो है दैट इज सिमिलर टू ऑफर एज पर द इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के पहले प्रपोजल होना बहुत जरूरी है मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि मैं मेरी बाइक आपको सेल करूंगा तो वो एक प्रपोजल है अब वो प्रपोजल आप एक्सेप्ट करोगे या ना करोगे दैट डिपेंड्स ऑन यू अगर मैंने मेरे बाइक की प्राइस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रखी है और मैं अगर आपको बोलता हूँ कि दिस इज माई प्रपोजल आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक एट रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बट यू वॉन्ट्स दैट बाइक बेसिकली यू वॉन्ट टू परचेज द बाइक एट ट्वेंटी थाउजेंड तो आप मुझे मुझसे क्या करोगे बार्गेन करोगे और बार्गेन करने के बाद फिर डिसाइड होगा कि आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है प्रपोजल प्रपोजल या ऑफर बेसिकली ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जाएंगे अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है सबसे पहले ऑफर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट मैं आपको जब प्रपोज करूंगा मैं आपको जब एक प्रपोजल दूंगा कि मैं मेरी बाइक आपको सेल करना चाहता हूं तो दैट इज अ रिक्वेस्ट मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं आई कैनॉट इन्वॉल्व यू इन सच अस रिप्रेजेंटेशन अंड्यू इन्फ्लुएंस कोयर्शन मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एंड दैट इज वॉट दैट इज कि हम दरा धमका के किसी से भी अगर ऑफर uh, लेंगे या प्रपोज प्रपोजल उनको देंगे और दरा धमका के उनकी हा लेंगे तो उसको हम कोयरशन बोलते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं तो ऑफर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट द प्रपोजर कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स प्रपोजल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट मतलब मैं आपको अगर मेरी बाइक सेल करना चाहता हूँ या मैं अगर आपको मेरी कार सेल करना चाहता हूँ तो मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि ये ये मेरी कार है ये ये मेरी बाइक है इसकी प्राइस इतनी है अब वो प्रपोजल को ऑफर वो प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन यू If you agree with my conditions, if you see that this is the okay price with me and accordingly you say that कि मैं ये purchase करना चाहता हूँ तो accordingly वो एक रिक्वेस्ट थी और रिक्वेस्ट होने के बाद अगर आपने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया फिर वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो दैट इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट नंबर second है लीगल relations काफ़ी इंपॉर्टेंट तो एंड ऑफर मस्ट बी इंटेंडेड टू क्रिएट एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन लीगल रिलेशनशिप्स होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा या ऑफर बन पाएगा देर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्रपोजर एंड एक्सेप्टर टू एंटर इन टू लीगल रिलेशन देखो इसके लिए एक बहुत बड़ा लीडिंग केस है कलाई हलदार वर्सेज शेख ठीक है इसमें क्या हुआ था जो ए था उसने इनवाइट किया बी को फॉर डिनर अब बी जो था उसने डिनर अटेंड नहीं किया तो ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया कि उसने जितना खाना घर पे बनाया था उसके उसके बदले में उसका काफी लॉस हुआ एंड उसने केस फाइल कर दिया दैट वाज अ स्वेट ही एस पास सो अकॉर्डिंगली जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने बोला ऐसा कोई केस नहीं बनता और डिसमिस कर दिया बिकॉज उसमें इनविटेशन जो था ए ने बी को दिया था फॉर डिनर एंड वो उसमें कोई भी लीगल रिलेशन नहीं बनता तो इसीलिए एक प्रपोजल या ऑफर के लिए लीगल रिलेशन बनना बहुत जरूरी माना जाएगा तो दैट इज नंबर सेकेंड पॉइंट लीगल रिलेशन अगले पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट अनएम्बिग्यूस एंड सर्टन देखो जो भी हम प्रपोजल या जो भी हम ऑफर देंगे वो वेग नहीं होना चाहिए डेफिनेट uh, होना चाहिए अनएम्बिग्युअस uh, होना चाहिए अनएम्बिग्यूस नहीं होना चाहिए और बेसिकली सर्टन होना चाहिए उसके लिए अगर हम देखें तो इफ़ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट इट्स एक्सेप्टेंस के नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप मतलब अगर हम प्रॉपर अगर ऑफ़र रखेंगे डेफिनेट रखेंगे स्पेसिफिक रखेंगे उसमें कोई भी अनएम्बिग्यूटी नहीं रहेगी सामने वाले को फंसाने के लिए हमने उनको ऑफ़र नहीं दिया है वरना हम उनको क्या कहेंगे कि हम उनको एक हॉर्स बेच रहे हैं एक हॉर्स सेल कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन को हॉर्स किस लिए चाहिए घोड़े के रेस के लिए हॉर्स चाहिए और हम उनको ऐसा हॉर्स बेच रहे हैं जो प्रॉपरली दौड़ नहीं सकता इसका मतलब हमने उनके साथ फ्रॉड कर लिया अब ऐसे जो भी प्रपोजल होंगे वो लीगल प्रपोजल नहीं माने जाएंगे और उसके वजह से कॉन्ट्रैक्चुअल जो रिलेशनशिप होती है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होती है वो क्लियर नहीं होगी एंड दैट विल क्रिएट अप मतलब हमने क्या किया उनके साथ फ्रॉड किया हमको पता था उनको हॉर्स किस लिए चाहिए घोड़े के रेस के लिए चाहिए तभी हमने ऐसा घोड़ा उनको दे दिया ऐसा हॉर्स उनको सेल कर दिया कि जो घोड़े के रेस में जीत नहीं सकता बिकॉज हमको पता है उसके पैर में डिफेक्ट है तो दैट इज द पॉइंट नंबर थर्ड टर्म्स ऑफ द ऑफर्स कैसे होने चाहिए डेफिनेट होने चाहिए अनएम्बिग्यस होने चाहिए एंड सर्टन होने चाहिए तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है नंबर फोर्थ द ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल जो ऑफर होनी चाहिए जो स्पेसिफिक होनी चाहिए या जनरल होने चाहिए तो ये आपको ध्यान रखना है जनरल ऑफर इज़ ओपन टू वर्ल्ड एट लार्ज जनरल ऑफर जो होती है सबके लिए ओपन होती है बट स्पेसिफिक ऑफर जो होती है वो हमने स्पेसिफिक डेफिनेट पर्सन के लिए ही क्रिएट की है तो मतलब स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन टू क्रिएट सम काइंड ऑफ लीगल रिलेशन लेकिन जनरल ऑफर सबके लिए होती है कोई भी वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है अगर कंडीशंस फुलफिल होंगे तो पॉइंट नंबर फिफ्थ में जाते हैं एंड ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें हैं यहाँ पे एक है आपका एक्सप्रेस ऑफर एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है जो ऑफर ओरली होगी या इन और ओरली होगी और इन राइटिंग वेर इंप्लायड ऑफर इज अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या है एक्सप्रेस ऑफर जो है ओरली और इन राइटिंग वेर एज इम्प्लायड ऑफर जो होगी इज अंडरस्टूड देखो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम जब रेलवे टिकट लेने जाते हैं तो रेलवे टिकट हम पैसे देते हैं और रेलवे टिकट ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे तुरंत हमने पैसे दिए और तुरंत हमको टिकट मिल गया तो वो इम्प्लाइड ऑफर माना जाएगा अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हम खाना ऑर्डर देते हैं हम खाना ऑर्डर देने के बाद खाना आता है हम खाना खा लेते हैं दैट इज़ इम्प्लाइड ऑफर ठीक है आपको ध्यान रखना है ये दो चीज़ें एक है हमारी एक्सप्रेस और दूसरी है हमारी इम्प्लाइड क्या हम रेलवे स्टेशन में जाके जो टिकट देने वाला है उसको बोलते हैं क्या लिख के दे जो भी टिकट आप दे रहे हो मुझे तो ऐसा तो होता नहीं है दैट इज वाई इट इज इंप्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है ओरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है ठीक है दोनों चीजें ध्यान रखना और इम्प्लाइड ऑफर कैसा होता है इंप्लायड ऑफर में हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि उसमें कोई ओरल और रिटर्न के केस में पॉइंट अराइज नहीं होते दैट इज नंबर फिफ्थ नंबर सिक्स में जाते हैं and offer must be communicated very very important point where when there is no communication दैट मीन्स देर इज़ नो ऑफर एट ऑल कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है मैं अपनी बाइक सेल करना चाहता हूँ आपको मैं अपना कार सेल करना चाहता हूँ आपको लेकिन मैंने आपसे आपसे कोई कम्युनिकेशन किया नहीं तो क्या आपको मेरी मन की बात पता चलेगी कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ तो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर एन ऑफ़र तो जहाँ पर भी कम्युनिकेशन होगा वहाँ पर ही प्रपोजल या ऑफर होगा बट जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ पर प्रपोजल और ऑफर हो ही नहीं सकता बिकॉज प्रपोजल देने वाला और जो एक्सेप्टर है उनके बीच में अगर कोई बातचीत होगी कम्युनिकेशन होगा तो ही वो प्रपोजल या ऑफर बन सकता है अदरवाइज़ वो प्रपोजल या ऑफर नहीं बन सकता इसलिए वैलिड प्रपोजल या ऑफर के लिए कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है अगले पॉइंट में जाते हैं ऑफर में भी कंडीशनल ठीक है ऑफर में भी कंडीशनल का मतलब कि हम कभी कभी कुछ ऑफर कंडीशंस के साथ दे सकते हैं वैन एन ऑफ़र इज़ कंडीशनल द कंडीशन मस्ट ऑल्सो भी क्लियरली कम्युनिकेटेड हर केस में नहीं बट कभी कभी अगर हम ऑफर देंगे तो हम कम्युनिके जो कंडीशंस रखेंगे वो भी कंडीशंस रखने चाहिए जैसे अगर मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूँ तो मैंने मैंने क्या किया मैंने मैंने आपको बोला कि जो कार है मैं आपको बेचूंगा लेकिन कार के अंदर जो टेप लगाया था या जो म्यूजिक सिस्टम लगाया था वो मैंने मेरे पैसे से अलग से लगाया वो आपको मैंने बेचूँगा वो मैं म्यूज़िक सिस्टम निकाल लूँगा आप अपने बेस पर म्यूजिक सिस्टम लगाना या फिर मैं म्यूजिक सिस्टम का अलग से प्राइस आपसे चार्ज करूंगा तो ये सारे कंडीशन है तो ये कंडीशंस भी स्टेट करने जरूरी है अगर हम जब किसी को ऑफर देंगे तो अगर हमने कंडीशन स्टेट नहीं किए अगर हमने कंडीशंस नहीं बताए तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम सो व्हेन एन ऑफर इज कंडीशनल द कंडीशंस मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड कंडीशंस कम्युनिकेट करना भी जरूरी हो जाएगा और एट नंबर का पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट है द ऑफर इज जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज बाउंड बाय दैट ऑफर एज सुन एज इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द अदर अगर मैं आपको मेरी बाइक या मेरी कार सेल करना चाहता हूँ जैसे ही मैंने आपको प्रपोजल दिया और जैसे ही आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया फिर उस केस में मैं पीछे नहीं हटना मुझे पीछे हटना नहीं है कि अभी आपने बोला कि यस ये ट्वेंटी थाउजेंड में डन हो गया मैं अपनी बाइक आपको ट्वेंटी थाउजेंड में बेचूंगा और बाद में मैंने कहा कि नहीं नहीं अभी मैं आपको नहीं बेचूंगा तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम तो इसीलिए ऑफर एक बार एक्सेप्ट करने के बाद जिस पर्सन ने ऑफर दिए इट्स हिज ड्यूटी उसके ऊपर बाउंड हो जाता है कि वो उस ऑफर को पूरा करे जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है तो ध्यान रखना और व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट फॉर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट जब ऑफर एक्सेप्ट हो गई जैसे आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर लीगल लॉ एनफोर्सिबिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एन एग्रीमेंट एनफोर्सियबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट तो दीज आर दिच वी हैव लर्न टूडे इन द क्वेश्चन एंड दट वॉज प्रपोजल अब विच इज ऑल्सो कॉल्ड एस ऑफर एंड वी हैव ऑल्सो लर्न द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल सो वी हैव कवर्ड अबाउट सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आई होप कि आपका बेसिक बेसिक चीजें इसमें से क्लियर है कि वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एग्रीमेंट क्या होता है ये सारी चीजें पढ़ी है तो एनफोर्सिबिलिटी एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड हो जाता है वर्ल्ड अबिनिशो ऐसे वर्ड्स बार बार आते हैं वैसे हमने ऑलरेडी कवरअप कर लिया है तो अगले लेक्चर में अगले पॉइंट्स में जाएंगे सेक्शन इलेवन और सेक्शन ट्वेल्व कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पढ़ेंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है माइनर के बारे में डिस्कस करेंगे देन वी विल मूव फर्दर टूवर्ड्स क्वेरशन एंड इन्फ्लुएंस तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है बुक्स में सारी चीज़ें दी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है इसलिए तो आपको उसको ओवरऑल पढ़ते वक्त ध्यान से अपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको इसका हेल्प आगे जाके हो जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगली बार मिलेंगे अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स शेयर करें टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर